देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। हाय, मेरा नाम है तुषार पांडे और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ दीपिका सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। हाय, मैं हूँ बिंदु दारा सिंह और आप देख रहे हैं HD न्यूज। कला संस्था आर्ट एंड ट्रीजल की 5 दिवसीय कला प्रदर्शनी आज से TI के सामने कैनरिज आर्ट गैलरी में शुरू हो गई है। यह प्रदर्शनी 6 मार्च तक रोजाना दोपहर 12 बजे से शाम 6:30 बजे तक कला प्रेमियों के लिए निशुल्क खुली रहेगी। यह जानकारी देते हुए संस्था प्रमुख आर्किटेक्ट रीना अग्रवाल और इंजीनियर अंशुल अग्रवाल ने बताया कि भारतीय हस्तशिल्प कला और कलाकारों का बढ़ावा देने के मकसद से यह 5 दिनी आयोजन किया गया है। प्रदर्शनी में मध्य प्रदेश की आदिवासी गोंड कला, बस्तर का डोकरा आर्ट, श्रीनाथ द्वारा का पिछवाई पेंटिंग, गुजरात का निप्पन आर्ट, उत्तर प्रदेश का ब्रास, तमिलनाडु की तंजोर पेंटिंग और उड़ीसा का पत्रजीत, केरला का म्यूरल सहित और भी आकर्षण चीजें होगी। आर्किटेक्ट अंचल चौधरी, फिक्की प्रेसिडेंट पायल अग्रवाल, इंटीरियर डिजाइनर प्रगति जैन, समाज सेवी शशिकला अग्रवाल ने दीप प्रज्वलित कर प्रदर्शनी का शुभारंभ किया। फिक्की प्रेसिडेंट पायल अग्रवाल ने अपने मुख्य संबोधन में कहा कि भारत का आर्ट बहुत रिच है, उसकी एक सुंदर झलक का यह दृष्टिगोचर हुई। यहाँ मॉडर्न और ट्रेडिशनल दोनों आर्ट का सुंदर कॉम्बिनेशन है। आर्किटेक्ट की प्रगति जैन ने कहा कि एक ही छत के नीचे कलाओं का इतना अद्भुत संसार मन को सुकून देता है। हर व्यक्ति को अपनी ड्राइंग रूप में पेंटिंग अवश्य लगाना चाहिए, अवश्य इस कार्य में अपना योगदान देना चाहिए ताकि कला का सम्मान हो और मन को भी सुकून मिले। आर्किटेक्ट अचल चौधरी ने कहा कि कला हमें खूबसूरती का एहसास कराती है और आनंदित भी कराती है, ऐसे आयोजन सतत होना चाहिए। समाज सेवी शशिकला अग्रवाल ने कहा कि प्रदर्शनी में हमारी संस्कृति और सभ्यता के सुंदर दर्शन होते हैं, आज ऐसे आयोजन की बहुत दरकार है। इस मौके पर आर्किटेक्ट निशा श्रीमाली, अंबिका भार्गव, नम्रता गर्ग, लेखक सुभाष खंडेलवाल, इंजीनियर प्रवीण जैन, किरण शिंदे, ललिता मारू, शीला कुचेरिया, राज दुआ, पूजा चंडोक विशेष रूप से उपस्थित थे। अतिथि स्वागत भरत बंसल, संजय चौहान, पूजा अग्रवाल और प्रतिका दुनाल ने किया। संचालन किया पूजा अग्रवाल ने और आभार शिल्पी अग्रवाल ने माना।
रजस्वी देखी, जो आपने क्रिएशन देखा, आपको क्या फीलिंग? मुझे ये देख के बड़ा अच्छा लगा कि अंडर वन रूफ सभी तरह के आर्टिस्ट का सभी आर्ट वर्क यहाँ पे एग्जीबिट किया गया है। और रीना जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहती हूँ कि उन्होंने सारे इंडियन आर्टिस्ट को प्रमोट करने के लिए एक अच्छा सा प्लेटफॉर्म दिया है। और हम इंटीरियर डिज़ाइनर्स को और जितने भी आर्किटेक्ट्स हैं जो इस फील्ड में हैं, उनको इस आर्ट को प्रमोट करना चाहिए, क्योंकि जैसे ही मैं यहाँ आई तो मुझे अंदर आने के बाद लगा कि बहुत अच्छी पॉजिटिव वाइब्स आ रही है। और अभी जितने भी अभी यंग जनरेशन है वो सब लोग मिनिमलिस्ट और सारा मॉडर्न फर्नीचर पे और मॉडर्न आर्टिफैक्ट्स पे प्रमोट ज़्यादा उसको प्रमोट कर रहे हैं, तो हमारा ये थोड़ा कुछ कुछ आर्ट है जो लुप्त होता जा रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए और हमको उसको बहुत प्रमोट करना चाहिए। तो ये इस तरह का आर्ट है जो किसी भी तरह के इंटीरियर में या डिज़ाइनिंग में जेल हो सकता है, मंदिर में या कहीं भी हम इस तरह के आर्टिकल्स को यूज़ कर सकते हैं, कहीं भी हम यूज़ कर सकते हैं बिल्कुल। और ये समय के साथ इसकी वैल्यू भी बढ़ती जाती है, ऐसा नहीं है कि यूज़ एंड थ्रो वाला आइटम है कि आप बोर हो गए उठा के कहीं और रख दो, एंटीक पीस हो जाता है, यही है कि इसकी वैल्यू और बढ़ती जाती है। सर जी, सबसे पहले तो मैं अंशुल जी और मेघना जी को बहुत बधाइयाँ देना चाहूँगा और धन्यवाद भी दूंगा, क्योंकि एक ही जगह पे पूरे भारत का जो ट्राइबल आर्ट का कलेक्शन है वो देखने को मिल रहा है, वास्तव में बहुत लाजवाब है और ये प्रयत्न बहुत ही सराहनीय है, उनको बहुत बहुत बधाई है इसके लिए और उनके प्रेरणा स्रोत पंकज जी और रीना जी को बधाई दूंगा, क्योंकि इसके पीछे जो उनसे चर्चा हुई, उन्होंने कोविड टाइम में ट्राइबल्स को सपोर्ट करने को और इस आर्ट को जो बढ़ावा दिया, वास्तव में बहुत ही सराहनीय कदम है। अब इसी से चलते उनसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि एक सेंटर जैसे गड़ी में एक होता था आर्टिस्ट के लिए, उस ढंग का एक सेंटर खोले जहाँ पे कि जिन लोगों को सुविधा नहीं है वो यहाँ आकर आर्टिस्ट अपनी कलाकृति बनाए और जिससे पूरे हिंदुस्तान में उसका नाम, कम से कम अपने घर में एक दो पेंटिंग इस तरह का होना चाहिए, होना घर की मुर्गी दाल बराबर कर लेते लेकिन इसका जो मेघना जी अमेरिका में इसका प्रचार कर रही है वो वास्तव में भारत को एक बहुत बड़ा नाम है। और कला में डूब कर देखना बहुत अलग चीज़ है। अचल भाई ने और प्रकृति जी ने जो बताया उसमें सब कुछ आ गया है। फिर भी मैं ये कहना चाहता हूँ इनकी बात से जिस निष्कर्ष में पहुँच रहा हूँ कि कला में, गीत में, संगीत में भारत पूरी दुनिया को गवर्न करने वाला रहा है, पूरे दुनिया में भारत से संदेशा गया है, ये हमारी चीज़ें न मालूम क्यों लुप्त हैं। पंकज जी, रीना भाभी, मेघना, अंशुल, इनका अतुलनीय प्रयास है ये कि पंकज जी वास्तुविद अंतर्राष्ट्रीय बड़े बड़े अपॉइंटमेंट मिलते हैं लाखों करोड़ों के, उनको नहीं ले रहे हैं, भाभी बिजी है ही अपने आप में, उसके बाद कला के क्षेत्र में उतरना जोखिम का काम रहता है, लेकिन उन्होंने जोखिम लिया, इनका कर्म है, परिश्रम है, भाभी महीनों से लगी हुई है, मैं रोज़ देख रहा हूँ पंकज जी उसमें पूरा अपना समय निकाल कर, ये नुकसान का बाट है, ये प्रॉफिट का बाट नहीं है, घर फूक तमाशा है, अच्छे तरीके से कर रहे हैं। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं कि पूरे इंदौर में, पूरे देश में यहाँ से संदेशा जाए कला का, होना चाहिए। मेरी जो हम सफ़र, हम नवाज, मेरी महबूबा, मेरी पत्नी जो है वो इसमें डूबी हुई है, रोज़ 3-4 घंटे यही करती है।